नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन आजमगढ़ मंडल द्वारा विश्व फार्मासिस्ट दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें मंडल के तीनों जिले आजमगढ़, बलिया एवं मऊ की टीम ने भाग लिया और आजमगढ़ जिले के सभी फार्मेसी कॉलेजों से प्रशिक्षु फार्मासिस्टों ने भी हिस्सा लिया। प्रशिक्षु फार्मासिस्टों ने वाद विवाद प्रतियोगिता की प्रस्तुति दी। वहीं वक्ताओं ने विश्व फार्मासिस्ट दिवस के बारे में बताया कि इस दिवस का आयोजन फार्मासिस्टों का स्वास्थ्य सेवाओं में कितना योगदान है तथा स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूकता के बारे में बताया। विश्व फार्मासिस्ट दिवस 2009 से पूरे विश्व में FIP इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन के द्वारा शुरू किया गया। इस साल विश्व फार्मासिस्ट दिवस 2023 की थीम फार्मेसी स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत कर रही है, अंगदान महादान। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सूरज प्रकाश श्रीवास्तव, भाजपा जिला अध्यक्ष लालगंज रजत राय, प्रदेश प्रभारी अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन और कार्यक्रम की अध्यक्षता राजेश यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन व संचालन जय कृष्ण चौधरी, प्रदेश सचिव ने किया। इस आशय की जानकारी जिला अध्यक्ष जितेंद्र दुबे ने दी। न्यूज नाइन भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। रजत कुमार राय, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मौजूदा प्रदेश संगठन प्रभारी अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन, और मेरे बगल में बैठे हैं राजेश यादव जी, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, और मेरे इस साइड मनोज आर्या जी बैठे हैं जो गोरखपुर निवासी हैं और ये पूर्वांचल महासचिव के पद पर कार्यरत हैं। देखिए, वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे पूरे वर्ल्ड में एक इस्तांबुल की संस्था है, उसने 2009 में मनाना शुरू किया था। तो 2009 से पूरे विश्व में वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे मनाया जाता है। उसी के तहत इंडिया में हमारा संगठन अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन, जो कि देश का सबसे बड़ा संस्था है, फार्मासिस्टों के हक और हकूक की लड़ाई लड़ता है। उसी के तहत यूपी के 75 जिलों में और देश के 18 प्रदेशों में हम कार्यरत हैं। वहाँ आज के दिन हम वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। उद्देश्य देखिए, जैसे आप डॉक्टर्स डे होता है, टीचर्स डे होता है, नर्स डे होता है, उसी की तरह एक फार्मासिस्ट डे होता है जो कि 25 सितंबर का होता है। यहाँ पे हम इकट्ठा हो करके अपने प्रोफेशन को कैसे अच्छा करें, हर प्रोफेशन का एक अपना दिन होता है, वैसे ही आज हमारा दिन है और इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। हम अपने प्रोफेशन को कैसे ऊंचाइयों पे ले जाएं, नए बच्चे हैं उनको समझाया जाए कि हमें आगे चल के क्या करना है, कैसे अपने भविष्य के साथ साथ हमारा जो प्रोफेशन है जनता के हितों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि चिकित्सा जगत की हम रीढ़ कहे जाते हैं। एक डॉक्टर अगर आपको पर्चा लिख करके दे देता है, आप अपनी बीमारी बताते हैं, उसके बाद का टोटल रोल जो होता है वो फार्मासिस्ट का होता है। कैसे आपको दवा खाना है, कब खाना है, उसके डोजेस क्या हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, उसके फ़ायदे क्या हैं, ये फार्मासिस्ट बताता है। आपको बताते हुए हमें खुशी हो रही है कि अभी हमारी भारत की जनता उतनी जागरूक नहीं है, विदेशों की जनता इस प्रोफेशन को जानती है तो इसका महत्व समझती है। दवा बनाने से लेकर दवा देने तक का काम फार्मासिस्ट का है। आपको याद होगा, कोरोना पेंडेमिक से पूरा विश्व जब त्रस्त था, तो जो कोरोना की वैक्सीन बनी थी वो भी किसी फार्मासिस्ट ने ही इस लैब में बनाया था। कार्यक्रम चल रहा है, कहीं पे रक्त शिविर का आयोजन हुआ है, कहीं गरीबों में निःशुल्क फल वितरण का आयोजन हुआ है, कहीं पे अभी यहाँ आप देख रहे हैं कि जो हमारे स्टूडेंट हैं, वॉक और क्या बोलते हैं, टॉक शो आयोजित किया गया था, जिसमें उन जो विजेता हुए हैं उनको सम्मानित किया जा रहा है, और पूरे प्रदेश में कार्यक्रम चल रहा है। करेगा कि हमको नौकरी चाहिए, आगे होंगे नहीं, प्रयासरत है, ये भी आगे बताया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन्होंने फार्मासी स्वास्थ्य विभाग से पूछा कि वैकेंसी कहाँ कहाँ है, उनका आंसर था कि वैकेंसी बहुत है, कहाँ कहाँ अलॉट है, मतलब कहाँ कहाँ नियुक्ति देना है वो उनको पता नहीं था। ये मैं बात कर, यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।